सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो क्या पत्थरों की पूजा करते हैं? उनको कुछ और काम नहीं मिला करने के लिए. सो वॉट इज वर्शिप्ड इन द लॉर्ड इन द टेम्पल? इज इट अ स्टोन? इज इट लॉर्ड इन साइड द स्टोन? और इज लॉर्ड इन द एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? और वॉट एग्जैक्टली वी वर्शिप एंड एटसेट्रा मेनी थिंग्स. तो सबसे पहले हम लोग इसमें कई चीज़ें देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, एब्राहमिक रिलीजन्स द वर्ड इज कवरिंग फ्रॉम द वर्ड एब्राहम. सो एब्राहम वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेट और मसीहा और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट नेम. हु इज नोन फॉर ब्रेकिंग आइडल्स. एब्राहम वॉज इज नोन फॉर ब्रेकिंग आइडल्स इन द टेक्स्ट यू विल फाइंड इन ऑल द टेक्स्ट. सो द हाउ क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म एंड इस्लाम सीज दिस दैट ऑल्सो विल डिस्कस. एंड ऑल्सो विद इन द वेदिक कल्चर ऑल्सो देर आर मैनी पीपल हु डोंट बिलीव इन इन आइडल वर्शिप और डीटी वर्शिप और टेम्पल्स एज सच. तो उसको भी हम लोग देखेंगे. एंड ऑफकोर्स देर आर मैनी मूवीज नाउ डेज पी के एंड ओ माई गॉड विल टेक सम थिंग्स फ्रॉम देयर ऑल्सो. तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एक फेमस मूवी ओ माई गॉड के क्लिप से. Because we are not here to hide or save ourselves from something. So कुछ बहुत relevant questions उसमें उठाए गए जो कि उठाए जाने चाहिए थे. I hope आप उसे अधिकतर लोग जानते भी होंगे. But फिर भी for the sake of argument, let us see some of that. So the first argument which is given is कि what is the relevance, like does it really, what is the logic, does it really work? So we'll see something. Sharing the screen. Okay. So कई अच्छी बातें, अच्छे पॉइंट्स उठाए गए लॉजिकल कि अगर भगवान से बात करने के लिए हमें कुछ वाया मीडियम की जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है कोई डीटी या कोई मूर्ति बनाने की. सो फेयर पॉइंट, विल डिस्कस अबाउट दैट. पहले हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को देख लेते हैं. एक और जो आर्ग्यूमेंट बहुत जो बोला जाता है, वेर इज इट, यस, ओके जस्ट अ सेकंड. ओके सही, कई सारे अच्छे पॉइंट्स इससे हम जो आर्ग्यूमेंट के लिए महत्वपूर्ण है कि पहले तो टेम्पल्स को इस तरीके से बनाने की क्या जरूरत है, इतने ग्रैंड टेम्पल्स की क्या आवश्यकता है, वहाँ पे कोई बिजनेस खोल रखा है क्या और इतना सारे अरेंजमेंट्स करने की क्या जरूरत है. सो दैट्स पॉइंट वन. पॉइंट टू कि मंदिरों के बाहर इतने भिखारी होते हैं, इतने लोग भूखे हैं, तो उनको खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इतना सब कुछ करना ज़रूरी है, और भिखारियों का क्यों ध्यान नहीं रखता मंदिर, ये दूसरा पॉइंट. और तीसरा कि शिवलिंग है वो तो एक पत्थर है, तो पत्थर को तुम दूर डालते हो उसको भी फिर बहा देते हो, तो हाउ डज इट मेक एनी सेंस, हाउ इज इट लॉजिकल. सो थ्री गुड पॉइंट्स. तो हम लोग को पहले ये डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि पहले पता होना चाहिए क्या कि और ये सब चीज़ें हमें बहुत खुले दिमाग से, ये नहीं कि अरे हम तो हिंदू हैं हम लोग इस तरह की बात सुन नहीं सकते. वैदिक स्क्रिप्चर्स आर वेदांत सूत्र जो सारे वैदिक कंक्लूजन का समरी है उसका पहला ही श्लोक है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, वन शुड इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ. तो वैदिक स्क्रिप्चर्स कभी भी ब्लाइंड फॉलोइंग को इनकरेज नहीं करती. लाइक हम लोग भगवत गीता पे सेशंस कर रहे हैं, भगवत गीता है क्या, एक क्वेश्चन आंसर है बेसिकली. अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चंस, कृष्ण इज आंसरिंग. सिमिलरली श्रीमद् भागवतम द टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर इन वैदिक conclusion. So Srimad Bhagavatam is a question answer between Parikshit Maharaj and Shukadev Goswami. So Vedas do encourage, Vedic scripture, Vedic culture does encourage questions. There is no thing of hiding or being shy about this. So we'll encourage, we'll talk about all these things. Ek do point aur hai jisko khaskar Abrahamic religion ke log zarur bolte hain, usko bhi hum log dekh lete hain, fir solutions payenge. तो
मूवी सीन। और दोपहर की एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि अगर ये मूर्ति सच में भगवान है, अगर ये सच में कृष्ण है और सच में कृष्ण जैसे कोई चीज है, और अगर ये सच में भगवान है तो कैसे भगवान अपने नाम पे होने वाले धोखों को, या जो लोग धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं या बहुत सारे दुष्कर्म करते हैं, तो भगवान कैसे अलाउ कर देते हैं, कैसे उनके नाम पर ही इतना सब कुछ हो रहा है, करप्शन होता है, इतना सारा जंजाल होता है। तो अगर भगवान सच में है तो वो कुछ करते क्यों नहीं? अगर वो मूर्ति सच में भगवान होती तो जरूर कुछ ना कुछ तो करती। तो एक ये पॉइंट, और दूसरा कैसे मंदिरों के नाम पे या मूर्तियों के नाम पे लोगों को लूटा जाता है, उनको अंधविश्वास डाला जाता है, जैसे यहाँ पे और राजस्थान वाले व्यक्ति के साथ हुआ। तो ये एक और बात जो है जो कई लोग बोलते हैं, जो जो कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस पे भी आएंगे। ओके, आई थिंक टू मोर पॉइंट्स ऑफ देयर। तो पॉइंट हियर इज कि कैसे मंदिर या मूर्तियों को इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस करने के लिए, और बहुत सस्ता बिजनेस है, और क्योंकि सब लोग भगवान से डरते हैं, वी आर गॉड फियरिंग पीपल, तो उस डर का यूज किया जाता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, या लोगों के अंधविश्वास को और कल्टिवेट किया जाता है। ओके, सो द फाइनल पॉइंट, जिसके बाद हम लोग विल कम टू आवर रिप्लाइज व्हाट वी हैव टू से अबाउट दैट। ओके, एंड दिस इज फ्रॉम द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अब्राहमिक रिलीजियंस। This is Abraham when he was a child, what he did. You're an ugly one. You must be the god of ugly. Who'd buy you? Your most powerful god of plenty, please. And be quick about it. What? Huh? Where? Aren't you too young to be selling idols? Aren't you too old to be playing with stones? You! Little man! Careful, he's not that little anymore. No matter. I need an idol. Utz, I can't sell you any idols. What can you sell me? I can sell you this. That? It doesn't quite look like a god. What does it do? Well, I'll show you. Oh, I love demonstrations. This idol here has big eyes. Just like my uncle Nebuchadnezzar. The question is, can this great idol see? Only one way to find out. Watch out! Ah! What are you doing? Maybe he was blind. I don't want it! Show me something else. Can you hear me? Stop it, little man! Are you listening to me? Demonstration over! I'll just take this one! Oh, impressive legs. He should be able to run quite fast with those legs, don't you think? No, I don't think he can. Let's find out. You wouldn't want a defective idol now, would you? No. Yes, I would. On the count of three. One, two, three, go! So now, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कैसे अब्राहम ने अपने बचपन में ही किया, और नाउ दिस इज वीडियो एक्चुअली जो कि मुस्लिम प्रीचर्स यूज करते हैं, स्पेशली पीपल लाइक जाकिर नायक एंड देयर एसोसिएट्स। सो दे आर नॉट शोइंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स कैसे ये जो आइडल्स होते हैं दे आर नॉट डिवाइन, अदरवाइज हाउ दे आर फॉलिंग ऑफ, दे आर गिविंग दिस एग्जांपल। सो जीसस क्राइस्ट, दिस थिंग इज फॉलिंग ऑफ फ्रॉम हियर। Another Good Friday celebrations, and somehow the
मूर्ति और आइडल ऑफ जीसस फेल डाउन से रोम्पियो ए हिज़ो के कायरा डेल अल्टो डे उनोस 3 मीटर्स. This is from some other culture. Then they give example of Ganesh also. How Ganesh's murti fell down. And several other Christian examples. Jesus feeling many of Jesus feeling. So anyway, so the point is what Islamic preachers are telling here, ki if God is really there, if Jesus was there, or if Ganesh ji was there in that, how it just fell down like that? And how Abraham was able to break them? Like, if God is there, how God is not able to protect himself also, then how God will protect you? So some very legitimate questions, very good questions also. तो हमारे सनातन संस्कृति के पतन का कारण ये है कि हम में से अधिकतर को इसके आंसर्स पता ही नहीं, क्योंकि हम खुद जानते नहीं तो हम अपने आगे वाली पीढ़ियों को कैसे बताएंगे. तो मेरे मन में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे बचपन में, एंड आई वॉज नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन बिकॉज ऑफ दीज रीजन ऑल्सो, बिकॉज देर वेर नो लॉजिकल आंसर्स. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स लॉजिकली. तो पहला शब्द है आइडल और दूसरा है डीटी. आइडल या मूर्ति, तो आइडल हम किसको बोलते हैं? आइडल होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन और अ फिनोमिना, दैट्स कॉल्ड आइडल. जब हम किसी को प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं उसको मूर्ति बोलते हैं. जैसे चौराहे पे गांधी जी का मूर्ति रखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस का, साइंटिस्ट का मूर्ति होता है, तो वो मूर्ति है, कोई उसको जाके वर्शिप नहीं करता. या मान लो गांधी जयंती के दिन लोग थोड़ा बहुत हार बार पहना देते हैं ऐसे, लेकिन साल भर उस पर पक्षी आ रहे हैं, मलमूत्र त्याग रहे हैं, कोई इसको मायने नहीं देता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये गांधी जी साक्षात नहीं है. लोग समझते हैं कि गांधी जी की मूर्ति है, ये गांधी जी नहीं है. ये बात सबको क्लियर है. ऐसे ही प्रतीकात्मक रूप से जैसे भारत का जो नोट है, करेंसी है, तो भारत की करेंसी में गांधी जी का फोटो है, लेकिन हम ये नहीं बोलते, ये बोलते गांधी जी का फोटो है, हम ये नहीं बोलते कि गांधी जी साक्षात वहां पर है, हम ऐसा नहीं बोलते. तो ये है प्रतीकात्मकता या रिप्रेजेंटेशन. ऐसे बहुत सारे आप फिनोमिनास देख सकते हैं. तो प्रतीकात्मक होना एक अलग बात होती है. तो क्या आइडल वर्शिप करने चाहिए? नहीं. इवन वैदिक स्क्रिप्चर्स भी आइडल वर्शिप के लिए मना करते हैं. इवन वैदिक स्क्रिप्चर्स आर अगेंस्ट आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजन. तो हम जो करते हैं और उसमें क्या अंतर है? तो अब्राहम ने या प्रॉफेट मोहम्मद ने जिन मूर्तियों को तोड़ा, जिसको बोलते हैं पैगनिज्म. तो पैगनिज्म मतलब क्या होता है कि वो लोग जो कबीले थे या जो कल्ट्स थी, वो लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रूपों को पूजते थे. जैसे आप इजिप्शियंस गॉड को जानते हैं, कोई छिपकली को पूज रहा है, कोई क्रोकोडाइल को पूज रहा है, कोई हवा को पूज रहा है, कोई पानी को पूज रहा है, सब. तो ये सब जो है इसको बोलते हैं कॉन्कॉक्शन. कॉन्कॉक्शन मतलब मनगढ़ंत पूजन पद्धति. तो ऐसी पूजन पद्धति तिरस्कार करने के योग्य है, ये बात सही है. सपोज भारत में आज बहुत सारे मंदिर है, सचिन तेंदुलकर का मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, महेंद्र सिंह धोनी का मंदिर है, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप का भी मंदिर है. किसी ने एक दिन वीडियो भेजा था बीबीसी ने इसका, डोनाल्ड ट्रंप का भी मंदिर है साउथ इंडिया में. तो हाँ, अब कोई बोले कि हाँ हम डोनाल्ड ट्रंप की आरती कर रहे हैं, 3 बार 56 भोग लगा रहे हैं. तो हाँ, ऐसी मूर्ति पूजा निंदनीय है और ये एकदम अंधविश्वास है, और इसका जितना तिरस्कार किया जाए उतना कम. तो क्यों प्रॉफिट मोहम्मद ने या कुछ हद तक जीसस क्राइस्ट ने भी इसके लिए मना किया, और क्यों बहुत सारे जो वेस्टर्न लीडर्स हैं रिलीजियस पाथ के, जैसे मोसेस, अब्राहम, कुछ हद तक सेंट पॉल भी, उन लोगों ने क्यों एडल्ट्री, इसको एडल्ट्री बोलते हैं, उसको सैटैनिक बताया है. सैटैनिक मतलब शैतान का काम,
यानी जो मूर्ति को पूजते हैं वो शैतान के उपासक हैं, क्योंकि वहां पे जो ये सब हो रहा था मुख्य रूप से वो यही कॉन्कॉक्टेड आइडल वर्शिप थी। जैसे यहाँ पे अभी कोई डोनाल्ड ट्रंप को वर्शिप कर रहा है तो हमको हंसी आएगी या तो गुस्सा आएगा या फिर हम अपना माथा पकड़ लेंगे, तो हो सकता है कि उस सेंस में ये बात ठीक हो। लेकिन वैदिक कल्चर में हम जो वर्शिप करते हैं ये आइडल वर्शिप नहीं है, हम प्रतीकात्मक रूप से वर्शिप नहीं करते, हम करते हैं डीटी वर्शिप। डीटी मतलब होता है विग्रह। तो विग्रह और मूर्ति में क्या अंतर है, तो पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। विग्रह जो होता है वो प्रतीकात्मक नहीं होता, जो कि 95% हिंदुओं का जो मिसकंसेप्शन है। भगवान का जो विग्रह है मंदिर के अंदर वो भगवान का प्रतीक नहीं है, प्रतीक होना अलग बात होती है, वो साक्षात भगवान है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, या कि हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है, आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का जो विग्रह है, विग्रह मतलब होता है रूप, उनका जो फॉर्म है वो सच्चिदानंद है, मतलब वो हार्ड मास से, बोन से, बोन मैरो से, इस सबसे नहीं बना, इट्स नॉट फिजिकल। और ये हमारे आत्मा का भी ऐसे ही स्वरूप है, तो भगवान को इन भौतिक चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे सपोज हमारे सामने बहुत सी चारी, हम कोई लोग बोलते नहीं, सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उसी को हम मानते हैं, तो ये बात साइंटिफिकली भी रीजनेबल नहीं है। मेरे सामने चारों तरफ रेडियो वेव्स हैं, यहाँ आपके आपके चारों तरफ भी, लेकिन आप उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है या एफएम रेडियो है या कोई भी रेडियो कनेक्टिंग डिवाइस है तो उसके माध्यम से आप रेडियो वेव्स के साथ रेसिप्रोकेशन कर पाएंगे। तो हमारी आंखों की एक लिमिटेशन है, हमारे कानों की एक लिमिटेशन है, हमारे सारे इंद्रियों की एक लिमिटेशन है। तो ऐसे ही भगवान का रूप तो छोड़ दीजिए, आज तक हमने अपने आप को भी नहीं देखा है। हम बोलते हैं हमारे दादाजी चले गए, कहाँ चले गए, दादाजी का शरीर तो यहीं पे पड़ा हुआ है, वही हाथ पैर है, वही आंख है, वही सब कुछ है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, दादाजी जो थे, जो आत्मा थी, वो चली गई, शरीर उधर ही है। यानी हमने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा, हमने कभी अपनी प्रेमिका को नहीं देखा, प्रेमी को नहीं देखा, हमने किसी को भी नहीं देखा एक्चुअली, हम केवल शरीर को देखते हैं। तो हम तो अपने आप को भी आज तक नहीं देखे, भगवान को देखना तो दूर की बात है। तो ये हमारी आंखों की लिमिटेशन है, पहले हमें समझना पड़ेगा। हम जो चाहे हम वो नहीं देख सकते, ये हमारे आंखों के फिजिकल डायमेंशन के बाहर है। तो भगवान को हम वैसे नहीं देख सकते। तो अब अगर हमें भगवान से संबंध बनाना है, अगर हम चाहते हैं भगवान से संबंध बनाना, तो उसके लिए क्या करें? तो बहुत सारे लोग हैं संसार में, तो इतने सारे धर्म हैं, वो लोग तो मूर्ति पूजा या विग्रह पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आपको ही क्यों करना है? ये तो प्रश्न उठ सकता है, बहुत अच्छा ये प्रश्न उठ सकता है कि मान लो अगर पूरे संसार भर में तो बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्लाम, इस्लाम में किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म जो है बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता, यहाँ तक कि प्रॉफिट मोहम्मद का भी आप कोई पेंटिंग नहीं बना सकते, आप उनका भी कोई भी प्रकार का कोई भी फॉर्म नहीं बना सकते, मूर्ति तो बहुत दूर की बात है। ऐसे क्रिश्चियनिटी में अलग अलग पंथ हैं, कुछ क्रिश्चियन पंथों में आप जीसस क्राइस्ट का मूर्ति नहीं बना सकते, कुछ में बना सकते हैं, ऐसा अलग अलग। तो इसका उत्तर मिलता है हमको श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में कि लोग इस इतने ज्यादा अलग अलग प्रकार की वर्शिप क्यों करते हैं। तो ये सारे संसार में जो लोग रिलीजन का कंक्लूजन चाहते हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये है फर्स्ट चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो बोल रहे हैं वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यच ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वदन्ति, वदन्ति यानी बताते हैं उसको, तत्त्वविदस्, तत्व मतलब होता है परम सत्य, सत्य। तो परम सत्य को बताने वाले उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, हालांकि वो है अद्वयम। अद्वयम मतलब दो नहीं है, वो एक ही है, अल्टीमेट स्पिरिचुअल रियलिटी एक ही है, पर उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। आज संसार में 13,500 प्रकार के रिलीजन्स हैं या रिलीजियस पाथ हैं, 1300 प्रकार की क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म में तो इतनी ब्रांचेस हैं कि कंपेयर नहीं कर सकते आप, कोई काउंट ही नहीं होगा शायद। तो इतने सारे ब्रांचेस, सब ब्रांचेस क्यों हैं? तो उसका आंसर है ये,
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि जो सभी लोग जो कि कोई भी प्रॉपर रिलीजियस पाथ फॉलो कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से इन तीन स्तर में से एक स्तर पे हैं। तो पहला है ब्रह्मेति, ब्रह्म मतलब होता है ब्रह्म या ब्रह्मन, का अर्थ होता है परम सत्य। लेकिन कैसा परम सत्य? निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, उसको बोलते हैं ब्रह्म। जैसे ये ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है वो लाइट है, वो नॉलेज का सोर्स है, लेकिन लाइट का कोई शेप नहीं होता, लाइट कोई पर्सन नहीं है, लाइट की कोई फीलिंग्स नहीं है, लाइट के साथ आप कोई रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकते, कुछ लेन देन नहीं कर सकते। लाइट केवल एक फिनोमेना है, एक कॉन्सेप्ट है। तो ब्रह्म, जो ब्रह्म उपासक होते हैं वो ये सोचते हैं कि परम सत्य है, उसका कोई रूप नहीं, उसके अंदर कोई गुण नहीं, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं, उसके अंदर कोई लाइक्स डिसलाइक्स नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो है। तो इसको बोलते हैं सत उपासना। सत मतलब वो केवल इटर्नल है, ना उसकी कोई शुरुआत हुई ना उसकी अंत हुआ। तो संसार के अधिकतर लोग ब्रह्म की उपासना ही करते हैं, 95% से ज्यादा लोग ब्रह्म के स्तर पे ही हैं, उससे ऊपर नहीं आ पाते। यहां तक कि हिंदुइज्म में भी जितने अधिकतर लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम विष्णु की पूजा करते हैं, जिनकी भी वो पूजा करते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये सब सेकेंडरी है, इन सब के ऊपर एक निराकार ब्रह्म है जिसमें हमको विलीन होना है, जिसमें हमको जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है ऐसे हमको विलीन होना है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े बाबा जी रहते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, तो लिखा रहता है ब्रह्म विलीन ओम 1008 ऐसा लिखा रहता है। तो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, तो ये ब्रह्मवादियों का ये फिलॉसफी होता है। तो आप देखोगे संसार में अधिकतर रिलीजन ब्रह्मवादी हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम, इस्लाम भी ये नहीं मानता कि परम सत्य का भगवान का कोई रूप है, उनके उनके अंदर कुछ उनके साथ हमारा कोई विश्व प्रकार का रेसिप्रोकेशन है। तो इट्स लिटिल बिट मिक्स्ड अप, बट मोस्टली इट्स ऑन ब्रह्मवाद। फिर उसके बाद होता है परमात्मा, परमात्मेति, परमात्मावादी। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में ही कि मान लीजिए आप एक बहुत दूर से एक पर्वत को देख रहे हैं, एक पर्वत को आप 100 किलोमीटर दूर से देखेंगे, कोई बड़ा पर्वत है जैसे हिमालय, तो आपको 100 किलोमीटर दूर से दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन दूर से पर्वत कैसे दिखाई देता है, खासकर सुबह और शाम के टाइम पे, ऐसा लगेगा कि बादलों ने इसको घेरा हुआ है और बादल की तरह ही दिखता है वो। प्रैक्टिकली दूर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सब एक ही लगेगा, वही बादल है, वही पर्वत है, तो सब कुछ एक है। लेकिन अगर आप उसके थोड़ा पास जाएंगे, पर्वत से केवल आप 5-10 किलोमीटर के रेंज में आप आ जाएं, तो आप देखेंगे कि नहीं, पर्वत अलग है, बादल अलग है, बादल आते जाते रहते हैं इधर उधर बहुत जगह, पर्वत एक जगह स्थित रहता है। तो पर्वत और बादल में आप भेद कर पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति साक्षात पर्वत तक पहुंच गया वो वहां जाके देखेगा कि पर्वत कोई एक चीज नहीं है, वहां पे हजारों प्रकार के पेड़ हैं, हजारों हजारों प्रकार के पक्षी हैं, पशु हैं, जीवन है, झरने हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत वैरायटी है। तो ऐसे ही जब हम ये आध्यात्मिक के मार्ग पर शुरुआती स्तर पे हैं तो हम ब्रह्म के स्तर पे रहते हैं अधिकतर। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा रियलाइज हो जाता है वो समझ जाता है कि सब कुछ एक नहीं है, ये वाटर बॉटल, मैं, कृष्णा, सबको एक नहीं हो सकते, मुझ में, कृष्ण में और वाटर बॉटल में सब में अंतर है, इट्स नॉट द सेम। तो ये रियलाइजेशन पे डिपेंड करता है या फिर शास्त्रों की अच्छे से पठन पाठन पे डिपेंड करता है। तो परमात्मावादी ये मानते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के अंदर है, हर एक लिविंग बींग के अंदर है। वो ये बात नहीं मानते कि बॉटल और मुझ में कोई अंतर नहीं है, वो मानते हैं अंतर है, वो क्रिएशन और क्रिएटर को भेद करना सीख जाते हैं, ये परमात्मावादी होते हैं। और भगवानवादी मतलब क्या है, जो ये समझ, जो ये रियलाइज कर पाते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, जिसकी कोई, जिसका एक रूप होता है, जिसका प्रेम का संबंध होता है, और उस व्यक्ति से, उसके ज्योति से, उसके शरीर से जो ज्योति निकल रही है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, महाविष्णु, महाविष्णु के से जो ज्योति निकलती है या वैकुंठ से ज्योति निकलती है उससे बनता है ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से। तो भगवानवादी अलग व्यक्ति है।
अब देखिए, आप किसी भी और ट्रेडिशन में आप हो, वेस्टर्न ट्रेडिशन या ईस्टर्न ट्रेडिशन में, तो हो सकता है आप ब्रह्मवादी हो, परमात्मावादी हो, थोड़ा बहुत भगवानवादी भी हो सकता है। जैसे इस्लाम में भी कुरान में एक वर्स है कि अल्लाह ने अपने काले रंग के दाहिने हाथ से प्रॉफिट को ये ज्ञान दिया, वो किताब दी। तो अब देखिए, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि अल्लाह का रंग काला है। ऐसे और भी आपको वर्स मिल जाएंगे न्यू टेस्टामेंट में, बाइबल में मिल जाएंगे। तो कुछ हद तक कभी कभी हिंट आती है भगवान तत्व की, बट जनरली वेस्टर्न फिलोसफी में भगवान तत्व नहीं है। और यहां तक कि भारत में भी जो फिलोसफीज प्रोमिनेंट हैं, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो भगवान तत्व की ओर ध्यान देते हैं। तो अगर आपको ब्रह्म तत्व और परमात्मा तत्व जानना है, तो उसके लिए विग्रह पूजन आवश्यक नहीं है। जो लोग ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं या परमात्मावादी हैं, उनके लिए विग्रह पूजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो भगवान के साथ प्रेम संबंध नहीं बनाना चाहते। वो केवल उनमें डूब जाना चाहते हैं, उनके साथ में नहीं रहना चाहते। तो ये इस कारण से उनके लिए डीटी वर्शिप इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके लिए मतलब कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे भारत में भी ऐसे संस्था हैं या विचारधारा के लोग हैं जो वेदों को मानते हैं, लेकिन वेदों के जो अंग हैं, उपनिषद, वेदांग, इतिहास, पुराण, उनको नहीं मानते। और क्योंकि वो इन सबको नहीं मानते, इसलिए वो मंदिरों को नहीं मानते, वो विग्रहों को नहीं मानते। वो मानते हैं कि केवल तपस्या करनी चाहिए, केवल ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। तो उनकी फिलॉसफी भी ठीक है, लेकिन उनकी फिलॉसफी और भगवान तत्व जो भक्ति कर रहे हैं, उनकी फिलॉसफी का लेवल में अंतर है। सब लोग एक ही रास्ते में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, वो भी ठीक बोल रहे हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला, उन्होंने 10 कमांडमेंट बताए, उसके बाद बोला कि आई वॉन्ट टू टेल यू मोर बट यू कांट बियर नाउ, मैं तुम्हें और बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन अभी आप उसको सह नहीं पाओगे। तो जीसस ने भी वही मार्ग दिखाया, लेकिन स्तर एक है, अलग अलग है। बाइबल में जो बातें बोली, जैसे बाइबल में बोला गया भगवान ने सोचा और ये जगत बन गया, लेकिन श्रीमद् भागवतम के 5वें कैंटो में डिस्क्रिप्शन है कैसे भगवान ने जगत को बनाया। तो जैसे एक छोटी डिक्शनरी होती है, उसमें कुछ शब्द होते हैं, और एक बड़ी मेगा डिक्शनरी होती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ऐसे ही जितने भी पंथ हैं जो बोनाफाइड हैं, और कोई बोनाफाइड कैसे है, पंथ कैसे पता चलेगा। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल बात बोली, इफ योर रिलीजन टीचेस यू हाउ टू नो गॉड एंड हाउ टू लव गॉड, देन योर रिलीजन इज बोनाफाइड। अगर धर्म हमको सिखाता है कैसे भगवान को जाने और उनसे प्रेम करें, क्योंकि जब भगवान से प्रेम करेंगे तो सभी जीवों से नेचुरली करेंगे ही, क्योंकि वो उनके परिवार के अंश है, तो आपका धर्म बोनाफाइड है। तो किसी भी बोनाफाइड धर्म, किसी भी बोनाफाइड पथ में आप हैं, तो आप सही रास्ते पे हैं, लेकिन उसका ग्रेड अलग अलग है। कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है पैदल चल चल के, कोई जा रहा है साइकिल में, कोई जा रहा है मोटर कार में, और कोई जा रहा है फास्ट कार में। तो सब लोग दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन एक ही सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है। जो कार में जा रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा तुरंत, लेकिन या जो जेट में जा रहा है, हेलीकॉप्टर में जा रहा है, तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन जो पैदल जा रहा है उसको बहुत समय लगेगा। तो ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व पे है, अभी उसके लिए भगवान तत्व पहुंचना बहुत दूर है, कई जन्म लग सकते हैं, है ना। तो ऐसे ये एक बात नहीं। तो डीटी वर्शिप इसलिए इतनी कॉमन नहीं है, इसलिए आप वैदिक कल्चर के बाहर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, खासकर अब्राहमिक रिलीजन्स में। उसका कारण ये है क्योंकि वो लोग भगवान तत्व पे विश्वास नहीं करते। तो जब वो मानते ही नहीं कि भगवान का कोई रूप है, जब वो मानते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, तो वो भगवान का विग्रह क्यों बनाएंगे, इट मेक्स नो सेंस। तो इसलिए वो लोग नहीं मानते, और वो ये सोचते हैं कि जो लोग भी ये कर रहे हैं वो लोग मूर्ख हैं, या फिर वो लोग अंधविश्वासी हैं, या वो लोग अज्ञानी हैं। तो उनके कुछ ऐसे मानना है कि हमें अज्ञानी लोगों का भला करना चाहिए, और वो भलाई करने के चक्कर में वो कई बार जो है बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं। तो इन प्रश्नों का ये था मतलब बैकग्राउंड, कि हम पहले इसमें अंतर करना चाहें। अब डीटी या विग्रह है क्या चीज, तो हम भगवान के दर्शन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन मैं अगर भगवान तत्व में भगवान को जानना चाहता हूं, मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूं जिससे सब कुछ आया, तो मैं कैसे जानूं। जो भगवान तत्व को जानना चाहता है उसके लिए क्या ऑप्शन है, क्योंकि वो तो कितना भी कुरान पढ़ ले, वो कितना भी बाइबल पढ़ ले, वो उसको वो आंसर्स नहीं मिल सकते, क्योंकि वहां पे भगवान तत्व की व्याख्या नहीं है। वो केवल और केवल वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी कुछ खास स्क्रिप्चर्स में ही है, हर जगह डिस्क्रिप्शन है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फुल फ्लेश्ड डिस्क्रिप्शन जैसे गीता, भागवतम इत्यादि स्क्रिप्चर्स में है फुल फ्लेश्ड,
अब ऐसे स्क्रिप्चर्स में मेंशन हो, बहुत जगह पे मेंशन है, बहुत जगह पे मेंशन है कि भगवान क्या है, ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान का ये मतलब है कि भगवान हमारे चिंतन से बढ़ के, जितना हमारे चिंतन है उससे कई बढ़ के, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसे भगवान की शक्ति है, अचिंत्य शक्ति। तो भगवान जब कोई व्यक्ति उनके साथ संबंध बनाना चाहता है और अभी वो उस स्तर पे नहीं है कि वो भगवान तत्व को जान गया है, लेकिन उसकी इच्छा है जानने की, तो भगवान ऐसे भक्तों के लिए भौतिक रूप स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि अगर मैंने ये, जैसे यहाँ पे बताया गया था पीके मूवी का, मैंने एक एक पत्थर लिया और पत्थर को कृष्ण की तरह बना दिया, तो क्या वो कृष्ण है? नहीं, वो कृष्ण नहीं है। केवल उसको फॉर्म बनाने से नहीं होगा, उसको बोलते हैं देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि जब भगवान के महान भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं एज पर सर्टेन प्रोसीजर्स ऑफ वेदास, तब भगवान भौतिक रूप में आने को स्वीकार करते हैं। भौतिक रूप में यानी कि जैसे कि पत्थर, मेटल, वुड, क्ले, सैंड और गोल्ड और ज्वेल्स, और लास्ट में माइंड, माइंड भी है एक डीटी। आठ आठ नौ प्रकार के विग्रह होते हैं। तो एक हम एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे 2 मिनट का, शिला प्रभुपाद इसको स्वयं ही बता रहे हैं बहुत अच्छे से। Therefore, विधि मार्ग मीन्स टू वर्क अंडर द डिरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, जस्ट लाइक अप्रेंटिस इन ए फैक्ट्री, वन इज वर्किंग एज अप्रेंटिस, ही डज नॉट नो हाउ टू, बट ग्रेजुअली व्हेन ही बिकम्स प्रैक्टिस Then he gets a good job, good salary. Is it not? Similarly, this is apprenticeship. To rise early in the morning, offer Mangal Arati and bhog, these are so many rules and regulations. Then naturally, there will be a spontaneous love. In the beginning, there is no spontaneous love. One has to work under the direction of the spiritual master and shastra, scripture. Yes, they were saying that this was then a form of idol worship because there was no realization in the service. No. Even there is no realization. It is not idol. It is idol worship for the rascal, not for the devotee. A devotee, under the direction of a spiritual master, is engaged in the service of the deity. The idea is that you cannot approach the Supreme Lord in your present condition. Therefore, he has agreed to take your service just like a stone. You can handle stone, you can handle, but you cannot handle the Virat Rupa, the gigantic form. So it is his mercy. Just like I have given this example many times, just like a small letter box. It is a post office. But for your facility, it is a box. It is post office. Actually, it is post office. You put the letter and it will go 10,000 miles away. How it goes? How it goes? It goes to the GPO and then it's dispatched. That's all right, because it is authorized. Yes. Therefore, the work is being done. You don't think I put it in a small box. It has gone to the post office, a work is going on. Similarly, for your facility, Krishna has appeared before you as stone, as wood. But he is a stone, is also Krishna. That requires little brain. He can take service in any form. That is absolute. Because the stone is not different from Krishna. It is Krishna's energy. So he is able to take service from you in any way.
Therefore, you have to approach him authorizedly. That's the, if you imitate a small box in your, write simply the same letter box red, that will not go. That will stay there for millions of years. But the box which is authorized, that will go. Is it clear? Yeah. Tell these rascals. This is not idolatry. Okay. So Prabhupada making it very, very clear that this is not idol worship. So until and unless Krishna agrees to come, जब तक भगवान एग्री कर नहीं करते उस पत्थर में, उस लकड़ी में, उस रेत में, उस मिट्टी में आने को, तब तक इट्स नॉट गॉड, इट्स सिंपली एनी अदर स्टोन, इट्स लाइक एनी अदर स्टोन. सो व्हाट अब्राहम वाज ब्रेकिंग वर जस्ट स्टोन्स. अब्राहम जो बोल रहा था कि अगर ये भगवान है तो ये जरूर विरोध करेगा, बट इट या फिर जो कांजी भाई जो बेच रहा था, इट वॉज नॉट गॉड, ही जस्ट मेड अ स्केच ऑफ गॉड, बट कृष्णा इज नॉट देयर इन दैट. Okay, so the first thing, it should be authorized, it should be done as Krishna mentions in the scriptures. So this is point number one, that jaise Prabhupada ne example diya ki jab tak aap apni chitthi, apne letter ko Indian post mein ya US post mail mein nahi dalenge, tab tak wo uski destination pe nahi pahunchegi. Ek samanya dabba jo uski tarah dikhta hai, usme agar aap daloge to it will not go anywhere, it has to go in the right place, then it will go to the right destination. Okay, so the point number one is that deity worship or the form of deity form of the Lord, vigraha form of the Lord, arch vigraha form of the Lord is Lord's mercy incarnation. Kripa purvak bhagwan aate hain, jabardasti nahi aate, you can't force God. Jaise main yahan pe Narendra Modi ka ek photo bana lu, bolo Narendra Modi hazir ho, Narendra Modi hazir ho, to thodi na Narendra Modi hazir ho jayenge. Ha, main unko request karu, agar mere paas unke liye link hai aur main unko request karu, तो हो सकता है वो मुझे फोन कर ले. ओके, सो यू कैन नॉट फोर्स योर वे टू गॉड, टू एनीवन, टू एनी इंपॉर्टेंट पीपल यू कैन नॉट फोर्स योर, व्हाट टू स्पीक ऑफ गॉड. ओके, तो पहला तो हमको ये समझना पड़ेगा फर्स्ट पर्पस. मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि हम लोग एस्ट्रे ना हो. फिर दूसरा बात ये आती है कि चलो ठीक है, तो भगवान अगर मान लो भगवान वहां पर है भी, तो भगवान खुद अपना ध्यान क्यों नहीं रख पाते. भगवान को आके जैसे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे बोनाफाइड मंदिर हैं जिनको कि तोड़ने का प्रयास किया गया, बहुत पर विग्रहों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है. या मान लो भगवान का विग्रह है और उसके ऊपर मक्खी है, मच्छर है, तो जैसे यहाँ पे हमने वीडियो में देखा था, पीके वीडियो वाला देखा था कि किसी ने एक पत्थर बना दिया, उसको लाल कलर का पेंट कर दिया, हनुमान जी बना दिया, दैट इज नॉट हनुमान जी. इफ यू थिंक इट इज हनुमान जी, दिस इज स्टुपिडिटी. कि कोई इफ यू जस्ट पुट समथिंग लाइक, अगर वो, क्योंकि अगर उस व्यक्ति का सच में वैसा हृदय होता, क्या वो हनुमान जी को छोड़ देता? हाँ, तुम यहाँ पड़े रहो पत्थर के नीचे, यहाँ पे कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगा, नहीं. सपोज अगर आपको किसी से प्रेम है, आपका खुद का बच्चा है, क्या आप अपने बच्चे को छोड़ दोगे वहां पे? नहीं. यू विल मेक अ नाइस प्लेस फॉर हिम, अ नाइस हाउस, नाइस अरेंजमेंट. तो भगवान गीता में एक क्लियर करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः. मैं सब लोगों को अपना रूप नहीं दिखाता अर्जुन, वही कृष्ण वहां साक्षात खड़े थे, लेकिन दुर्योधन समझ रहा था कि कोई मायावी है, ये ग्वाला है, शिशुपाल सोच रहा था कि धोखेबाज है, ये तो छत्री भी नहीं है. तो भगवान जब साक्षात भी यहाँ पे थे, तब भी उनको लोग 10 प्रकार से देख रहे थे, अलग अलग अपनी दृष्टि के अनुसार देख रहे थे. आत्मवान मन्यते जगत, संस्कृत में कहावत है, व्यक्ति अपनी स्थिति, अपनी चेतना के अनुसार जगत को देखता है. तो अगर आप मंदिर में जाते हैं और आप ये सोचते हैं ये पत्थर है, तो भगवान आपके लिए पत्थर ही रहेंगे, और अगर आप उनको तोड़ने भी जाओगे, भगवान विरोध नहीं करेंगे, वो पत्थर है. क्योंकि भगवान क्या है, अचिंत भेद भेद, यानी भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है. भगवान इस बॉटल के अंदर भी है, अगर वो चाहें तो वो आ सकते हैं, वो नहीं चाहें तो वो नहीं आएंगे. तो भगवान शक्ति, शक्तिमान की खासियत है कि वो शक्ति के अंदर, शक्ति के अंदर निहित है, लेकिन वो एक्टिव होंगे कि पैसिव होंगे, ये उनके हाथ में है ना. भगवत गीता के फोर्थ चैप्टर में खासकर इसका डिस्क्रिप्शन है डिटेल में, कि भगवान हर जगह है लेकिन हर जगह नहीं भी है. भगवान की खुद की मर्जी है कि वो कब किस जगह पे आना चाहते हैं. तो वही कृष्ण का विग्रह है जो कि बोनाफाइड है, लेकिन तब भी अगर कोई व्यक्ति, कोई नास्तिक है या कोई विरोधी है, कोई
द्वेषी रखता है और वो भगवान के सामने आता है उसको पत्थर मान के, भगवान पत्थर की तरह रहेंगे उसके सामने, वो उसको उठा के फेंक भी देगा तो भगवान विरोध नहीं करेंगे क्योंकि भगवान अपने आप को विथड्रॉ कर लेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, उसका श्रद्धा है, तो हो सकता है अगर वो उसकी श्रद्धा बहुत उच्चे स्तर की हो, अच्छा भक्त हो, तो वही भगवान वही दिखने जो पत्थर की तरह दिख रहे हैं उसके साथ डांस करने लगे, उसके साथ बातचीत करने लगे। तो ये श्रद्धा के मूल्य पर डिपेंड करता है किसकी क्या स्थिति है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जो जैसा जिस श्रद्धा से जाता है भगवान उसके साथ वैसे डील करते हैं। तो पॉइंट नंबर वन, तो पॉइंट नंबर टू ये है कि कांजी भाई कृष्ण की मूर्ति बेच रहे हैं या अब्राहम मूर्तियों को तोड़ रहा है, पहली बात तो वो भगवान की मूर्ति को नहीं तोड़ रहा था, लेकिन मान लो बहुत सारे मुसलमान या बहुत सारे यवन लोग आए, उन्होंने बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ा, देवी देवताओं के या भगवान की मूर्ति को तोड़ा, तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान की शक्ति है कि भगवान अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि नहीं। भगवान शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अर्च विग्रह रूप में नहीं आते। अर्च विग्रह जो रूप है ये भगवान का युग अवतार नहीं है कि भगवान यहाँ आ रहे हैं कोई चीज एस्टेब्लिश करने के लिए। ये जो अर्च विग्रह है ये कृपा रूप है कि जो लोग यहाँ संसार में है उनको उनका उद्धार होता रहे। बाकी भगवान का जो मिशन है उसके लिए वो अलग अलग अवतारों में आते हैं टाइम टू टाइम। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। फिर तीसरा पॉइंट हुआ, चलो मान भी लो वो भगवान है, चलो शिवलिंग जो है साक्षात शिव जी है, चलो मान लिया, अब उन पे इतना दूध बहाने की क्या जरूरत है, वो नालियों में गिराने की क्या जरूरत है। तो ये प्रश्न उठता है, लॉजिकल प्रश्न भी है। तो देखिए, किसी भी बोनाफाइड किसी भी प्रमाणिक मंदिर में आप जाएंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप देखेंगे हर प्रमाणिक मंदिर में भगवान को सुबह जब अभिषेक होता है उस दूध को दही को ये पंचगव्य को नीचे स्टोर किया जाता है और उसी को चंडामृत के रूप में बांटा जाता है। आप में से बहुत लोगों ने चंडामृत पिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं मंदिरों में। अब ये तथाकथित कुछ मंदिरों में ऐसा क्यों हो रहा है, ये वहां के मैनेजमेंट की गलती है। तो ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पे सब कुछ ठीक ही हो रहा है, बल्कि सच्चाई ये है धर्म के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बहुत सारा नाटक नाटक की बहुत सारा गलत चीजें धर्म के नाम पे हो रही है, धंधा हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है, ये बात सत्य है। लेकिन वो तो हर फील्ड में है। मेडिसिन की फील्ड पे बहुत सारे फर्जी डॉक्टर नहीं है क्या, किडनी बेचने वाले डॉक्टर नहीं है क्या, टीचिंग के नाम पे स्कूल कॉलेजेस बच्चों का पैसा नहीं लूटते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग हॉस्पिटल्स बंद कर दें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग स्कूल और कॉलेज बंद कर दें। तो हाँ, बहुत सारे धर्म गुरु जो हैं वो लुटेरे थे और वो एकदम राक्षसों के समान थे, मानते हैं, लेकिन वो धर्म के नाम पे केवल लूट रहे थे। लूटने वाला किसी भी नाम पर लूट सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि धर्म को लूट बंद कर दिया जाए। तो अगर कोई शिव मंदिर में ऐसा हो रहा है तो वो गलत है और उन उस पर्टिकुलर मंदिर के खिलाफ या उसके मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी दूध चढ़ता है उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए और बाद में भक्तों के बीच में बांटना चाहिए। और चंडामृत हमेशा बढ़ जाता है, इतनी लंबी लाइन होती है, तो वेस्ट होने का कोई बात नहीं है। भगवान को जो भी चढ़ता है उसको प्रसाद बोला जाता है, प्रसाद मतलब ही कृपा है, और प्रसाद को लेने के लिए इस्कॉन में तो कम से कम लंबी लाइनें हैं, वेस्ट करना तो दूर की बात। तो ये तीसरा पॉइंट है कि क्यों इतना वेस्ट हो रहा है। फिर चौथी बात जो हमारे कांजी भाई ने उठाई कि ठीक है, भगवान के मंदिर के सामने इतने भिखारी बैठे हैं, इतने लोग भूखे हैं, तो भगवान को भूख चढ़ाने की क्या जरूरत है, इनको पहले खिलाना चाहिए। तो देखिए, संसार में इतने जगहों पे बहुत कुछ हो रहा है, अभी आईपीएल टूर्नामेंट हो रहा है, बड़ी बड़े वेडिंग्स होती हैं, बड़े बड़े सेरेमनीज होती हैं, तब तो कोई नहीं पूछता कि आईपीएल टूर्नामेंट करने की क्या जरूरत है, गरीबों को खाना खिला क्यों नहीं खिला सकते। तो देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि जब व्यक्ति हम किसी को आज खाना खिला देंगे, आज आप उसको खाना खिला दो और ये बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन कल फिर दोबारा भूख लगेगी, परसों दोबारा भूख लगेगी। इसलिए खाना खिलाना अच्छा है। इस्कॉन हर रोज, अगर जब तक कोविड नहीं चल रहा था, भारत के अंदर 12 लाख लोगों को प्रसाद खिलाता है हर रोज, जिसमें से कि अधिकतर बच्चे हैं मिड डे मील योजना के तहत, और संसार भर में 20 लाख से अधिक प्लेट प्रसाद हर रोज बढ़ता है। एवरी सेकेंड 175 प्लेट से ज्यादा प्रसाद इस्कॉन बांटता है। तो वो काम हम करते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उचित ज्ञान देना। आज आप उस व्यक्ति को उचित ज्ञान दे दो, क्योंकि अज्ञान सारे दुख का कारण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उसको कुछ आता नहीं, इस कारण से भीख मांग रहा है, आज आप उसको कुछ सिखा दें, उसको कुछ स्किल सिखा दें, तो वो खुद कमा सकता है, खुद वो उसको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। तो कहने का मतलब है कि हाँ, वो परोपकार किया जाना चाहिए, वो जरूरी है। तो वही प्रसाद, वही जो आप गरीबों को खिलाना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए आपका ये भी
आपके अंदर ये इंटेंशन है तो वो भगवान को पहले अर्पण करना चाहिए, भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में वो बांटना चाहिए। कम से कम जैसे आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाएं, हर रोज 50,000 लोगों को नॉन कोविड सिचुएशन में 50,000 से ज्यादा लोगों को फ्री प्रसाद खिलाया जाता है। किसी भी आप सपोज दूसरे ट्रेडिशन में भी आप जाएंगे, सपोज अगर आप सिख ट्रेडिशन में जाएं, किसी भी आप गुरुद्वारे में चले जाएं, लंगर वहां पे हो रहा है, हजारों हजारों लोगों को वो लोग खिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो धार्मिक स्थल है वहां पे केवल लोगों को बिजनेस चला रहे हैं, लूट, एक सामाजिक स्थिति है। अगर शहर के सारे लोग लुटेरे होंगे, ये सारे लोग तमोगुणी होंगे, तो मंदिर में भी तमोगुणी लोग ही आएंगे, समाज में जो लोग हैं वही तो आएंगे मंदिर में, कोई दूसरी दुनिया से थोड़े ना आ जाएंगे। तो किसी एक दो उसके आधार पे सारे धर्म को जनरलाइज करना ठीक नहीं है। तो डेफिनेटली जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनका साथ देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ केवल खाना खिलाने से ही नहीं होता है, बल्कि उनको उचित ज्ञान देना, उनको उनकी गलत आदतों से बचाना। मान लो आपने भिखारी को 100 रुपए दे भी दिए, वो 100 रुपए का शराब पी लिया, आप क्या करोगे? तो उसको सही राह पे भी दिखाना जरूरी है, केवल खाना खिलाने से नहीं होगा। खाना खिलाना जरूरी है, लेकिन उसके आत्मा का, उसके मन का, उसकी बुद्धि के लिए भी खाना खिलाना जरूरी है, उसके मन के अंदर सही डोज डालना भी जरूरी है। तो वो काम भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अगर हम लोग गीता के ऊपर लोगों को नहीं बोलेंगे तो हृदय के अंदर तो गंदगी भरी हुई है, तो वही व्यक्ति एक्सप्लॉइट करेगा, वही व्यक्ति समाज के लिए दुख का कारण बनेगा। ओके, और एक और पॉइंट जो डिस्कशन में आया या फिर जो लोग पूछते हैं कई बार कि हाँ कि ऐसा ऐसा नहीं है क्या कि जो लोग ज्यादा एडवांस नहीं है, जो लोग ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है, उन लोग डीटी वर्शिप करते हैं, वो लोग मंदिरों में वर्शिप करते हैं। मतलब भगवान तो हर जगह है, तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? ये लोग कई बार इस तरह के बात लोग बोलते हैं कि भगवान तो सर्वव्याप्त है, भगवान का नाम ही है विष्णु, विष्णु मतलब सर्वव्याप्त, तो भगवान हर जगह है, तो मैं मंदिर जाके क्यों भगवान की भक्ति करूं? मैं तो कहीं भी कर सकता हूं। बहुत उचित प्रश्न है। तो देखिए, भगवान हर जगह है, पर क्या हम भगवान को परसीव कर पा रहे हैं हर जगह? भगवान को हर जगह परसीव करने के लिए एक लेवल चाहिए। जैसे देखिए, पानी हर जगह है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हवा के अंदर भी वाटर वेपर होता है, कितना परसेंट होता है कोई बताएगा चैट बॉक्स में? भूल गया, आई थिंक 0.something%, नहीं, हवा के अंदर भी वाटर वेपर होता है, हर जगह पानी है। लेकिन जब आपको भूख, जब आपको प्यास लगती है, तो क्या आप ऐसे जिब्बा निकाल के हाँ कहाँ पानी पा, ऐसे थोड़ा ना करते हैं आप जाते हैं टैप के पास, आप जाते हैं नल के पास, आप जहां पे पानी आपको भरपूर मात्रा में और प्रैक्टिकल रियलाइजेबल रूप में मिलेगा वहां आप जाते हैं। आप गिलास लेके ढूंढते हैं पानी, नहीं, पानी तो हर जगह है, लेकिन आप उसको हर जगह नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन सपोज जैसे एक प्लांट होता है कैक्टस, तो कैक्टस जो है वो कैक्टस या उसकी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो लोग बिल्कुल डेजर्ट में भी उग जाते हैं, तो उन वो लोग को पानी कहीं नहीं मिल रहा है, सालों से बारिश नहीं हुई, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी है कि वो वाटर वेपर को ग्रैस कर लेते हैं, जो हवा के अंदर जो वाटर वेपर है उसको ग्रैस करने की एबिलिटी है। तो वो ऐसा प्लांट जो है वो डेजर्ट में भी रह जाता है, लेकिन बाकी प्लांट्स नहीं रह पाएंगे। तो हाँ, जो व्यक्ति बहुत एडवांस्ड है भक्ति में, उसके लिए जरूरी नहीं है डीटी वर्शिप, जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्य सभी लोगों के लिए जरूरी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति एडवांस हो गया वो डीटी वर्शिप करता नहीं है, नहीं, हमने देखा है और शास्त्रों में भी हमने पाया है कि इवन व्यक्ति जब बहुत एडवांस हो जाता है, प्योर डिवोटी बन जाता है, उसके बाद भी वो डीटी वर्शिप कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि भगवान से उनका संबंध बन चुका है। तो कहने का मतलब है कि ये हम नहीं कह सकते कि भगवान तो हर जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। मंदिर की जरूरत है, क्योंकि हर जगह पे हम भगवान को परसीव नहीं कर पाएंगे, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, है ना, जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। तो उसके लिए एक स्थान की जरूरत है, जैसे कि पढ़ाई तो हर जगह की जा सकती है, फिर भी स्कूलों की जरूरत है, कॉलेजों की आवश्यकता है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, एक पर्टिकुलर फैसिलिटी होना आवश्यक है किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए। ओके, तो ये थे जो मुख्य बिंदु जो हमने इन वीडियोस के थ्रू देखे। और भी कई चीजें हो सकती हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो भैया अपने इस प्लेटफॉर्म को खोलना चाहूंगा। अगर आप लोग और कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई चीज है, पॉइंट है जो कि डीटी वर्शिप, आइडल वर्शिप से रिलेटेड हो, तो हाँ, कई लोग, हाँ एक पॉइंट और रह गया,
जो क्रिश्चियन लोग हैं जो हम बोलते हैं कि हम शैतान के, आप लोग शैतान की उपासना करते हो, मुझे तो एक बार किसी ने डायरेक्टली बोला ही था आप लोग सैटैनिक हो, आप लोग शैतान की उपासना करते हो। क्यों भाई, क्यों हम शैतान की उपासना करते हो? क्योंकि तुम ऐसे रूप की पूजा कर रहे हो, फॉल्स गॉड्स, है ना। तो देखिए वही हमको समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात कर रहा है, यानी वो मैच्योर नहीं है, वो नहीं समझता कि ब्रह्म तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, भगवान तत्व क्या है, उसकी इतनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो समझ सके कि भैया बाइबल के अलावा भी दुनिया कुछ होती है। कोई लोग बोलते हैं कि जीसस इज द ओनली वे, अगर जीसस ओनली वे है तो जीसस के पहले जो लोग आए उनके लिए क्या था, उनके लिए कोई होप नहीं थी। जो लोग बाइबल तक नहीं पहुंच पाए, है ना, अभी 200-300 साल पहले तक बाइबल हर जगह पहुंची है, उसके पहले तो नहीं थी, तो क्या उन लोग के लिए भगवान ने कोई होप नहीं बनाई? मतलब मनुष्य बन के भी उनका कोई यूज नहीं है? नहीं, वैदिक कल्चर इतना, वैदिक स्क्रिप्चर्स इतने शॉर्ट बाइंडेड नहीं है। वैदिक या कल्चर या वैदिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि कई माध्यमों से भगवान ने अपना ज्ञान अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्तियों के लिए बताया है। तो भले ही वो चीज, वो व्यक्ति डायरेक्ट वैष्णव परंपरा में ना हो, डायरेक्ट भगवान की वर्षित ना कर रहा हो, कोई बात नहीं, अगर वो सही पथ पे है ना, और उसका सिम्टम क्या है कि ही मस्ट डेवलप द लव फॉर गॉड एंड लव फॉर ऑल ग्रेजुअली, तो अगर वो सही पथ पे है तो उसको एक्सेप्टेबल, इट्स एक्सेप्टेबल, भले वो किसी भी, चाहे वो निराकार का उपासक हो, चाहे वो परमात्मावादी हो, चाहे वो निर्गुणवादी हो, जो भी है उसको इट इज एक्सेप्टेबल। तो वैदिक कल्चर इट्स वेरी ब्रॉड, इट हैज स्पेस फॉर एवरीवन। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है कि आप शैतान के उपासक हैं, तो फिर हम उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि अगर आप उनकी बुद्धि ऐसी है तो और क्या बोला जा सकता है ऐसे हम, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, आप लोग कोई जरूर पॉइंट्स जोड़े, अगर आपको लगता है कि और कुछ मुद्दे हैं जो कि डीटी वर्शिप से रिलेटेड है, जो लोग समाज में पूछते हैं, या आपका कुछ अनुभव रहा हो किसी कुछ लोगों से बात करने का, या हमने जो डिस्कशन किया उसमें किसी को कुछ और जोड़ना है, पूछना है, तो बोल सकते हैं, मैंने आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे कमेंट है शुभम हीरा का कि अगर वो मूर्ति तोड़ेंगे तो हम भी उनको यमलोक भेज देंगे। हाँ देखो, हाँ, यानी कि कोई व्यक्ति अगर वो, कुछ लोगों को ये करने की आवश्यकता है, क्षत्रियों की आवश्यकता है जो धर्म को रक्षा करें, ये बात सही है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल आर्ग्यूमेंट्स की, है ना। वैदिक कल्चर में इसको बोलते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ मतलब जब तक बात केवल आर्ग्यूमेंट्स की हो रही है तो सबको सब कुछ बोलने का अधिकार है। वैदिक कल्चर में एक मुनि हुए, उनका नाम था चार्वाक मुनि। चार्वाक मुनि इज एथिस्ट, ऋणम पित्वा गितम पीवेत, मतलब बोल रहे हैं कि मरने, किसने देखा है क्या होगा मरने के बाद, खाओ पियो ऐश करो। तो चार्वाक वाज एथिस्ट, पर चार्वाक के लिए भी स्थान है वैदिक कल्चर में। तो जनरली वैदिक कल्चर में वी डू नॉट ऑप्ट फॉर, जब तक कि सामने वाले व्यक्ति खुद फिजिकल उस पर ना आ जाए, बाकी जब तक बात है शास्त्रार्थ की या आर्ग्यूमेंट्स की, तो वी आर ओपन फॉर एनी वन एंड एवरी वन, एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यस, तो किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट्स हो, या आपका कभी किसी से कोई इंटरेक्शन हुआ हो इस सब के बारे में, और आप कुछ बोलना चाहते हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, काफी अच्छी क्लास थी, और आपने जो भी चीजें कवर करी काफी, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स थे और सारे ही पॉइंट्स काफी रेलेवेंट थे, छोटे तो नहीं थे, इवन बड़े पॉइंट्स थे और रेलेवेंट थे, और ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं, और एक टाइम था जब हम खुद सोचते थे, जैसे आपने बताया कि अब दूध क्यों चढ़ाते हैं, वेस्ट होता है, या फिर जी आपके आवाज कट गई बीच में। ओके, शायद उनका आवाज कट गया, मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तब तक मैं, ये प्रिया प्रताप जी इनका प्रश्न है, इज द इमर्जन ऑफ आइडल्स आफ्टर वर्शिप जस्टिफाइड? अभी नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में बहुत सारी दुर्गा देवी के या आदिशक्ति के अलग अलग रूपों की वर्शिप होती है, और खासकर बंगाल में तो बहुत ही। आपने पॉइंट बताया, पॉइंट से जो आपने, ओके, दोबारा आपकी आवाज आई मंत्रु, एक मिनट पहले मैं ये आंसर देता हूँ, फिर मैं आपका आंसर दे दूंगा, क्योंकि आपका आवाज बीच में बिल्कुल कट गया, मैं सुन नहीं पाया। तो हाँ, तो प्रिया प्रताप माता जी, जैसे मैंने बोला 8 या 9, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, 9 प्रकार के विग्रह हो सकते हैं। तो उसमें एक है क्ले, यानी मिट्टी का भी विग्रह बनाया जा सकता है,
मिट्टी का, रेत का, हाँ ये सब विग्रह बनाना अलाउड है, इट्स देयर इन द स्क्रिप्चर्स। तो अभी जैसे दुर्गा देवी की उपासना हो रही है 9 दिन, तो जो अलग अलग मिट्टी, अब तो आजकल बहुत चीजें बनने लगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बहुत सी चीजें अलग अलग टाइप की, आई मीन अलग अलग केमिकल्स और व्हाटएवर, आई डोंट नो दैट मच, बट हाँ वैसे मिट्टी के बनाना अलाउड है। हाँ लेकिन होता क्या है, अब देखिए वैदिक कल्चर में तो मिट्टी का बनाते थे, तो ये जो है इमर्जेंस की जो बात है, तो देखिए जो फेमस इंडिया में फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी, खासकर महाराष्ट्र में बहुत फेस्टिवल है, ये गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल जो है ये मुश्किल से 150 साल पुराना है, बस उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि गणेश चतुर्थी में ऐसे बाहर अलग से स्टॉल बनाए जाते हैं, ये सब सेटअप नहीं था। इसको शुरू किया भारत के स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक पॉलिटिकल एक्टिव थे, वो भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, कोई पॉलिटिकल मीटिंग अलाउ नहीं करती थी, पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ब्रिटिश लोगों के सक्सेसफुल होने का कारण ये था कि ब्रिटिश लोग जो है रिलीजन को डायरेक्टली सप्रेस नहीं करते थे, तो यानी कोई रिलीजियस मीटिंग होगी तो ब्रिटिश सरकार उसको मना नहीं करती थी। तो ब्रिटिशर्स को कैसे मूर्ख बनाया जाए, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया कि गणेश चतुर्थी जो है हम बाहर बनाएंगे कॉलोनीज में या ऐसे समितियों में, तो उससे क्या होगा कि लोगों को मिलाएंगे हम धर्म के नाम पे, और फिर हम अपना जो डिस्कशन है कैसे हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ जो भी उनके प्लानिंग है वो हम करेंगे। तो उसका एक आप कह सकते हैं इट वॉज अ नोबल कॉज, अ नेशनलिस्ट कॉज, और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जहां तक बात है दुर्गा देवी के संबंध की, ये एक पुरानी परंपरा है, दुर्गा देवी के जो संबंध की जो बात है, नवरात्रि को में अलग से आइडल्स बनाना, ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। अब कब की परंपरा ये तो हम नहीं जानते, बट बहुत पहले से ये होता चला आ रहा है ना, बहुत हजारों सालों से तो एटलीस्ट हो रहा है। तो मिट्टी का जो विग्रह है, हाँ ऐसा अलाउड है स्क्रिप्चर में कि मिट्टी का विग्रह को कुछ दिन के बाद रख के दोबारा इमर्ज किया सकता है। अब देखिए लेकिन वही बात है कि अब उसको बहुत सारा चीज एडल्ट्रेट हो गया समय के साथ, अब हम उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल देते हैं और दुनिया भर के केमिकल डाल देते हैं, उससे क्या होता है वो पानी में डालने के बाद मिट्टी तो बह जाएगी कुछ दिन में, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और बाकी चीजें हैं केमिकल वो सब तो वहीं रह गया, तो वो फिर पॉल्यूशन करता है और बहुत प्रॉब्लम्स करता है। तो ये इसकी समस्या है कि हिंदू समाज के, लाइक बीइंग वेरी फ्रैंक, पीपल आर नॉट एट ऑल स्पिरिचुअली मैच्योर, पीपल आर सो मच रिचुअलिस्टिक, है ना। हम हिंदुओं का एक समस्या क्या है, हम लोग बिल्कुल रिचुअलिस्टिक है, हम लोग रीति रिवाज करते हैं, पर उसके पीछे क्यों हो रहा है ये, उसका कारण क्या है वो समझते नहीं, बस केवल रीति रिवाज कर देते हैं, है ना। हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं गीता क्या है, भागवत क्या है, कुछ पता नहीं, तो है ना? और इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम लोग जो है हमारे फेस्टिवल्स में बहुत सारी रॉन्ग चीजें डलती जा रही हैं, तो ये एक परेशानी है। हम जितना हो सके दुर्गा देवी के हम जो भी विग्रह बना रहे हैं वो ऐसे बनाने चाहिए जो नेचुरली आसानी से इमर्स हो सके, नेचुरली वाटर में जा सके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने भी मिट्टी के विग्रह बनाए, मिट्टी तो जाएगी उधर नेचुरल सब्सटेंस है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन उसको बहुत ज्यादा फैंसी बनाने के चक्कर में ये हम गलती कर बैठते हैं कई बार, बहुत सी चीजें। हमने देखिए होली का क्या हालत कर दिया, होली जो है वो पलाश के फूलों से बने हुए रंगों से खेलना चाहिए, क्यों, क्योंकि होली आती है ऐसे समय पे कि जब गर्मी इंटर करने वाली है, लेकिन अब हमने ऐसे ऐसे कलर ला दिए, चाइनीज कलर ये वो लगा दो तो 10 दिन तक छूटेगा नहीं आपका, तो पूरा जो फेस्टिवल की जो स्पिरिट थी वो खत्म हो गई, अब वो कुछ और ही बन गया है। ऐसे दिवाली में, दिवाली का मेन कॉन्सेप्ट था कि भगवान राम को वेलकम करना, दिए जलाना, अब वो केवल हो गया है पटाखे फोड़ने का फेस्टिवल बन गया, बस वो खूब आवाज करो खूब पटाखे फोड़ो, तो मतलब पटाखे फोड़ने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो मेन जो उसका स्पिरिट था वेलकमिंग लॉर्ड राम, लॉर्ड राम तो कहीं पिक्चर में नहीं आते आजकल दिवाली में, है ना। ऐसी सारे जैसे क्रिश्चियनिटी में भी, अभी क्रिसमस मतलब क्या है, क्रिसमस मतलब वो लोग जाते हैं और खूब सारा शॉपिंग करते हैं, 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक छुट्टी रहती है, सब लोग खूब मजे करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं बस, और एक टर्की खाते हैं, एक चिड़िया होती है इसका नाम है टर्की, इसको खाते हैं बस। वेयर इज जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ का क्या हुआ, कोई उसके बारे में बातें नहीं करता है। तो ये एक बात प्रॉब्लम है कलयुग के साथ साथ जैसे बढ़ रहा है कि जो फेस्टिवल्स के पीछे जो रियल स्पिरिट थी वो तो खत्म होती जा रही है। इसलिए कम से कम हम लोग जो डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमको फेस्टिवल्स को रियल उसकी स्पिरिट में मनाना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, है ना। तो नवरात्रि है आदि शक्ति, उनके जो अलग अलग रूप हैं, उनके जो अलग अलग पास्ट टाइम्स हैं, उनको अपने जीवन में उतारना, उनके उनसे प्रार्थना करना, उनकी उनके जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करना,
तो लेट्स नॉट मेक इट सो फैंसी कि जो मेन चीजें हम आजकल क्या हो गया, हर कॉलोनी में अलग अलग दुर्गा जी बैठेंगी और हर व्यक्ति दूसरे से कॉम्पिटिशन करेगा, इनकी दुर्गा जी 5 लाख की है, हमारी दुर्गा जी 10 लाख की होगी, आई डोंट नो यहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं, पर एमपी में बहुत कॉमन है। और ये लोग डीजे बनाएंगे, हम लोग डबल डीजे लाएंगे, और ये लोग 11 बजे तक बजाएंगे, हम लोग 1 बजे तक बजाएंगे, और वहां पे क्या हो, सब प्रकार के गेम्स चल रहे हैं, डम शराब ये वो सब कुछ हो रहा है, जो कि आई डोंट नो व्हाट टू से, बट जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो रिलीजियस स्पिरिट होनी थी, वो पूरी तरह लॉस्ट होती जा रही है, और वही बच्चे वहीं पे दारू पी के वहीं पे पड़े रहेंगे, वही दारू पियेंगे वहीं पे पड़े रहेंगे रात भर, सुबह उठ के वही बच्चे दारू पिए में थोड़ा हाथ मुंह धो के वही वर्शिप शुरू कर देंगे। तो बहुत बुरी स्थिति है रिलीजियस रिचुअल्स की, हमारे देश की बहुत ही बुरी हालत है, लेकिन एटलीस्ट अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुद अच्छे से पालन करें और दूसरे को बताने का प्रयास करें। जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी, जी। प्रभु प्रभु जो पहले पहले के मंदिर होते थे तो हजारों साल पुराने, तो वो लोग वो कोई भी नेचुरल कैलामिटीज से उतने इफेक्टिव नहीं होते थे, जैसे कि बाढ़ आ जाता है फिर तूफान वगैरह भी आ जाता है तो मंदिर को उतना हानि नहीं पहुंचता है, तो वो बने ही उसी तरीके से है कि उनको हानि ना पहुंचे। कुछ वैदिक मेटलर्जी इतना पावरफुल है और इस पे रिसर्च भी चल रहा है। तो प्रभु जी मैंने सुना कि जो मूर्ति होते थे पहले के जमाने में तो वो ऐसे एलॉय से बनाए जाते थे, ऐसे मेटल के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते थे कि उनको प्रिजर्व करने के लिए दूध शहद और बाकी चीजें चाहिए था, और जो जो मंदिर जिधर जिधर बनाया जा रहा है उधर कुछ वाइब्रेशंस निकलता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जहाँ लोग अपना जाके फ्रीक्वेंसी मैच करवाता है कि कहाँ किसका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है। जैसे कई कई पुराने मंदिर है जहाँ पे बीमार हुए लोगों को अलाउ नहीं करते क्योंकि उनका कुछ असुविधा हो सकता है उधर, तो Okay. तो क्या प्रभु वो अपना मेडिटेशन का फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए जाते थे, मैं ऐसा सुना। वेल देखो ऐसे बहुत सारे हिंदू लीडर्स हैं, हिंदू खासकर यूट्यूब पे कुछ लोग बहुत फेमस हैं जो हिंदुइज्म को साइंटिफिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है करना चाहिए, लेकिन साइंटिफिकली प्रेजेंट करने के चक्कर में हम ऐसा भी लॉजिक ना मना मारे जो कि स्क्रिप्चर्स में नहीं है, या फिर जिसका जो आगे चल के हमको क्रॉस कर बैठे। मंदिर जाने का मुख्य कारण क्या है, सपोज मैं अपने पापा के घर पे क्यों जाता हूँ, एक पति अपनी पत्नी के पास क्यों जाता है, एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड के पास क्यों जाता है, बिकॉज उनके बीच में प्रेम है। तो मंदिर जो है वो भगवान का घर है, वैसे तो जैसे मैंने डिस्कशन किया, तो मुख्य रूप से हम उस संबंध को गहरा बनाने के लिए अब जाते हैं। सो द मेन पर्पस ऑफ गोइंग टू टेम्पल इज टू री एस्टैब्लिश द डीप स्पिरिचुअल लव विद गॉड एंड ऑल द पीपल, क्योंकि मंदिर जो है इट इज द सेंटर ऑफ कम्युनिटी। किसी की भी शादी होगी, किसी का भी बर्थडे होगा, कोई भी राजा बनेगा, जो भी है, इट वॉज ऑल सेंटर्ड अराउंड द टेम्पल्स। सो टेम्पल वेयर लाइक द सोसाइटी, द सेंटर ऑफ द सिविल सोसाइटी। सो दिस इज द मेन रीजन वाई वी शुड गो टू टेम्पल। हाँ, अब टेम्पल डालने से बहुत सारी चीजें हो सकता है कि हाँ ऐसा हो कि भैया ये बात सही है, जो घंटियां बजती हैं वो उसका जो प्रभाव है, या जो पूरा सरीन जो एनवायरनमेंट रहता है उसका प्रभाव है। हाँ, इट कैन हैव फिजिकल, इट कैन हैव ऑल दीज थिंग्स, मे बी इट्स पॉसिबल, आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट द मेन रीजन। मेन रीजन ये नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी बन जाए और ये वो सब ठीक है, इट कैन बी साइड रीजन। मेन रीजन इज बिकॉज टू गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट, टू गेट स्पिरिचुअल सेल्वेशन, पीपल गो टू टेम्पल्स, दैट्स अ मेन रीजन। ओके, और हाँ जहां तक बात रही, ये बात बिल्कुल सही है कि वास्तुशास्त्र की बात हो या जो अलग अलग प्रकार के जो आर्किटेक्चुरल जो बातें हैं, अब आप देख सकते हैं, सही बात है, उस तरह के मंदिर अब नहीं बन सकते, हम लोग वो सब कुछ लॉस्ट कर चुके हैं बहुत सारी चीजें है। तो जैसे हम देखते हैं कि अभी केदारनाथ में बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, है ना, कितना साल हो गया, शायद 4-5 साल हो गए, ज्यादा हो गया शायद, बहुत भयंकर बाढ़ आई केदारनाथ में, है ना, तो सब कुछ खत्म हो गया, इतने वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े होटल थे, बहुत कुछ था, दुनिया भर का लोगों ने बना रखा था, सबका सब खत्म हो गया। लेकिन जो केदारनाथ का जो मंदिर है, शिव जी का जो टेम्पल है, उसके पीछे एक पत्थर आके गिर गया और वो पानी वहां से डाइवर्ट हो गया और जो टेम्पल है उसे कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है, जैसे हम देखते हैं जगन्नाथपुरी का मंदिर, ये जगन्नाथपुरी के मंदिर को 700-800 साल हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुका है, केवल इसी स्ट्रक्चर को, और वो भी जिस फाउंडेशन पे बना है वो तो और भी पुराना होगा। तो कहने का तात्पर्य की बात सही है ना, या फिर अगर आप साउथ इंडिया चले जाएं, खासकर साउथ इंडिया, आप मीनाक्षी मंदिर जाएं या अगर आप श्रीरंगम जाएं, वहां पे जिस प्रकार के गोपुरम है, 14-14 15-15 फ्लोर के इतने मैसिव जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं और इतना
इंट्रिंसिक डिजाइन वो आज के जमाने में कौन कर सकता है? ताजमहल भी फीका पड़ जाएगा उतनी डिटेल्स पे अगर आप जाएंगे तो। तो कहने का मतलब है कि हाँ ये बात सही है कि वो सारे जो आर्किटेक्चरल ग्लोरी थी वो वी हैव लॉस्ट ओवर टाइम, लेकिन हाँ उनके जो रिमेनिंग्स रेमिनेंट्स है उससे हम समझ सकते हैं कि वो कितना महान वो चीज था, इसमें नो डाउट अबाउट दैट। ओके, राम हरि शियाल जी का प्रश्न है, आई थिंक द आइडल वर्शिप इन टेम्पल इज प्राइमरी स्टेज ऑफ लर्निंग ऑट नो गॉड, बट आफ्टर कंप्लीशन लर्निंग नो वन अगेंस्ट ऑफ इट बिकॉज अदरवाइज न्यू लर्नर्स आर सोसाइटी, इज इट करेक्ट? मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पाया, जितना मैं समझ पाया हूँ प्रश्न को, तो बोल रहे हैं रामहरि जी की टेम्पल वर्शिप जो है, आइडल वर्शिप जो है टेम्पल में, वो प्राइमरी स्टेज की है। तो जैसे मैंने कहा कि हाँ प्राइमरी लोग के लिए जो भगवान तत्व के उपासक हैं, जो भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं प्रेम का, या जो जो लोग ब्रह्मवादी हैं, भगवान को एक कॉन्सेप्ट मानते हैं, भगवान को एक एनर्जी मानते हैं केवल, उनको जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही भगवान के रूप को मानते ही नहीं है ना, या फिर जो परमात्मावादी उनके लिए भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो भगवान के डिवोटी बनना चाहते हैं उनके लिए तो टेम्पल वर्शिप इज अ मस्ट है ना। और हाँ जो डिवोटी बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गया है ही डज नॉट नेसेसरली बी इन्वॉल्व इन टेम्पल वर्शिप, नॉट नेसेसरी, बट फिर भी हम देखते हैं कि जनरली इवन एडवांस प्योर डिवोटीज ऑल्सो डू वर्शिप इन टेम्पल्स। ओके, आई होप इट आंसर्स। ओके, और किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आपकी कभी किसी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई हो? और कोई नहीं तो अमनपुर का एक प्रश्न है वो मैं लूंगा, अगर कोई कुछ और नहीं बोलना चाहेगा तो। ओके, सो लेट अस टेक हिज क्वेश्चन। अमन प्रभु की माताजी ऐसा बोल रही है कि भागवतम ऐसा बोलती है कि मुगल रूल और ब्रिटिशर्स का रूल भारत में आएगा, क्या ये बात सत्य है? तो जो मुगल हैं और ब्रिटिश हैं इनको यवन और मलेच्छ बोलते हैं संस्कृत टर्मिनोलॉजी में, या तो मिलिच मतलब मांस खाने वाले को मिलिच बोलते हैं, और यवन मतलब उस रीजन में जो कि वेस्टर्न कल्चर या वैदिक कल्चर से अलूफ है उनको ऐसे बोलते हैं संस्कृत टर्मिनोलॉजी में। और भागवतम में ये डिस्क्रिप्शन आता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब किस किस प्रकार के लोग उसमें लड़ने आए थे, और उसमें यवनों का नाम भी है, यवनों का नाम भी उसमें है। तो उस सेंस में आप कह सकते हैं कि हाँ उस समय भी ब्रिटिशर्स या वो जो रेस थी, यूरोपियन रेस थी, वो थी, और उसके लोग भी महाभारत में पार्टिसिपेट किए थे। तो उस सेंस में हाँ भागवतम में एक दो श्लोक ऐसे हैं, और महाभारत में तो बहुत डिस्क्रिप्शन है, ये बात सही है। बाकी एक स्क्रिप्चर है उसका नाम है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट, और यहां तक कि कुछ वर्जन में क्वीन एलिजाबेथ का भी वर्जन है। तो लेकिन भविष्य पुराण को जो है अधिकतर जो स्क्रिप्चर्स के जो पांडित्य हैं वो उसको एडल्ट्रेटेड मानते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है, वैदिक परंपरा में ये ज्ञान जाता कैसे है, गुरु के माध्यम से शिष्य को जानता है, इसको श्रवण के माध्यम से शिष्य गुरु से समझता है। तो इसलिए वेद व्यास जी ने जब ये मैसिव स्क्रिप्चर्स बनाए है ना, वैदिक स्क्रिप्चर्स में इतने श्लोक हैं इसकी कोई कल्पना नहीं है, जैसे 108 उपनिषद हैं। अब हर उपनिषद अपने आप में बहुत मैसिव हो सकती है, चार मेन वेद हैं, 18 पुराण हैं, मुख्य पुराण 18 सहयोगी पुराण हैं, इतिहास है, महाभारत रामायण है, बहुत कुछ है। इस तो उन्होंने क्या किया, इन अलग अलग नॉलेज को अलग अलग अथॉरिटीज को असाइन किया। जैसे भारत में कोई भी व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहता है तो उसको ऑल इंडिया जो टेक्निकल अथॉरिटी है उसके अंडर में रह के करना पड़ता है। कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं तो एक मेडिकल अथॉरिटी बनाई हुई है भारत की सरकार ने, है ना। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो वो बॉडी सरकार ने बनाई हुई है, तो उसको डिवाइड करना जरूरी है, एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही वेद व्यास ने सारे स्क्रिप्चर्स बनाने के बाद अलग अलग लोगों को असाइन किया जो उसके आचार्य कहलाते हैं। जैसे पतंजलि योग के आचार्य हैं, योग सूत्र को उन्होंने और डिस्क्राइब किया, उसको और बढ़ाया चढ़ाया और उसको और उसका प्रचार किया। जो कर्म मीमांस है, जैमिनी मुनि ने कर्म मीमांस को, कर्म के सिद्धांत को और बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उसको और डिस्क्राइब किया, उसको और
भाषाओं में या और अपने शिष्यों तक पहुंचाया इस प्रकार से। तो ऐसे अलग अलग आचार्य होते हैं। तो अभी जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उसमें से बहुत कम रियल फॉर्म में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है इनको बोलते संप्रदाय स्कूल्स, तो अधिकतर संप्रदाय जो है वो लुप्त हो गए अलग अलग। जो जो अर्जुन ने जो सीखा था जो मिलिट्री साइंस वो लॉस्ट हो चुका है। बहुत सारा जो वास्तु है ओरिजिनल वो लॉस्ट हो चुका है। आर्किटेक्चरल नॉलेज लॉस्ट हो चुकी है। बहुत कुछ लॉस्ट हो चुका है क्योंकि उस परंपरा वो परंपरा कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन हमारे पास जो वैदिक स्क्रिप्चर्स बचे हैं वो बचे हैं जो सबसे कोर स्क्रिप्चर्स थे, जिनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि वो मल्टीपल अथॉरिटीज ने मल्टीपल लोगों तक उसको बचा के रखा हुआ है, है ना। तो जैसे भगवद्गीता, भगवद्गीता हर स्कूल हर एक संप्रदाय के पास है क्योंकि और वो सेम है। चाहे आप कश्मीर में भगवद्गीता पढ़ो चाहे आप कन्याकुमारी में पढ़ो, हर जगह वही श्लोक है क्योंकि वो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि इसको सब लोगों ने प्रिजर्व किया है। ऐसे श्रीमद् भागवतम और अलग अलग स्क्रिप्चर्स को प्रिजर्व किया है। तो भविष्य पुराण जैसे कुछ स्क्रिप्चर हैं जो कुछ स्कूल्स ने अपने पास रखे थे और ये मतलब सबके पास इजिली अवेलेबल नहीं है। तो भविष्य पुराण में प्रॉफिट मोहम्मद का वर्णन है, प्रॉफिट मोहम्मद का वर्णन है, जीसस क्राइस्ट का भी वर्णन है, और एक वर्जन जो मार्केट में आता है उसमें क्वीन एलिजाबेथ का भी वर्णन है कि क्वीन एलिजाबेथ नाम की एक व्यक्ति आएंगी या इस तरह की एक रानी आएगी जिसके अंडर में पूरा भारत खंड रहेगा। लेकिन उसको बहुत सीरियसली स्क्रिप्चर्स को जानने वाले लोग नहीं लेते उस बात को। मतलब किसी ने हो सकता है इसको ऐड कर दिया हो। जैसे गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं मनु संहिता को मानता हूं लेकिन जो मनु संहिता मार्केट में मिलती है मैं उसको नहीं मानता। ये बात सही है क्योंकि अगर आप आज जाओगे मनु संहिता लेने तो आपको 2800 श्लोक के आसपास उसमें मिलेंगे, लेकिन मनु संहिता के जो वर्जन है ट्रेडिशनल उसमें 1200-1300 श्लोक से ज्यादा है नहीं। तो ये बात निश्चित है कि बहुत सारे तथाकथित लोगों ने अपने फायदे के लिए मनु संहिता में बहुत सी चीजें ऐसी ऐड कर दी जिससे वो निचले तबके के लोगों को निचला बना के रख सकें और उनको ऊपर डोमिनेंस कर सके, है ना। इसलिए संप्रदाय की इतनी इंपॉर्टेंस है। स्क्रिप्चर मस्ट कम फ्रॉम अ बोनाफाइड सोर्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद का वर्णन तो है। बाकी हाँ, कलयुग में ये चीज जरूर है कि जो नेता होंगे जो रूलर्स होंगे वो लोग डेमोनिक होंगे, वो लोग जो है धर्म के विरुद्ध होंगे, ये तो बहुत डिटेल में वर्णन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली क्या वो मुगल होंगे कि ब्रिटिशर होंगे एज सच वो नहीं है इस तरह का डिस्क्रिप्शन। ओके, हरे कृष्णा। यस अभिषेक प्रभु जी, घर में जैसे हम आइडल वर्शिप करते हैं तो फिर क्या है? घर में हम आइडल वर्शिप करते हैं, ओके, नहीं करना चाहिए, डीटी वर्शिप करना चाहिए। कहने का मतलब है कि देखो, जैसे मैंने एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि डीटी मतलब कोई जो बड़े बड़े मंदिरों में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भक्त एक छोट, जैसे हमने हम लोग सुबह ध्रुव महाराज का देख रहे हैं, ध्रुव ने क्या किया, एक छोटा सा उन्होंने मिट्टी का भगवान का विग्रह बनाया और उसको कुछ जंगल के फूल देते थे बस। भगवान देख रहे हैं कि आपका भाव क्या है, आपकी प्रेयर क्या है। अगर आप जेन्युइनली भगवान को प्रे कर रहे हैं, गॉड विल मैनिफेस्ट। बहुत सिंपल भी कोई वो डीटी हो, एक पिक्चर क्यों ना हो, एक पेंटिंग भी क्यों ना हो, भगवान उस पेंटिंग में उस पिक्चर में भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं इफ इट इज डन इन द प्रॉपर मोड, है ना। तो चाहे मंदिर हो चाहे घर हो चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार का भगवान का रूप हो, इट इज गॉड हिमसेल्फ इफ वी हैव द प्रॉपर रेसिप्रोकेशन और वी हैव द प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, सो देन इट इज गॉड हिमसेल्फ। ओके, चलिए, आज काफी लंबा हो गया डिस्कशन हम लोग का, तो आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड इट वॉज सम। ओके गुंजन, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ बोलो। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर। सर, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन वर्ल्ड, ओके सर, सो लाइक, और सभी सर वैदिक स्क्रिप्चर्स और जितने भी हम सब अभी सुन रहे हैं, तो सभी में सर ऐसा लगता है कि सब कुछ इंसानों के लिए ही लिखा गया, या फिर लाइक उन लोग जो करेंगे ऐसा होगा उनके साथ, या फिर तो ऐसा बाकियों के लिए क्यों नहीं है सर, या फिर ओके क्योंकि पॉपुलराइज्ड वे सर। ओके, तो देखो, कॉन्शियसनेस अलग अलग लेवल की होती है। ये 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना, मीन्स बीइंग अवेयर अबाउट अवर सराउंडिंग्स एंड एबल टू रिएक्ट, है ना, हैविंग फीलिंग्स, बीइंग एबल टू टेक नॉलेज, बीइंग एबल टू रेसिप्रोकेट नॉलेज, बीइंग एबल टू रिएक्ट टू सिचुएशंस, ये कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस इज अ सिम्पटम ऑफ लाइफ। ये बॉटल है यहाँ पर, ये कॉन्शियस नहीं है, इसको मैं कितना भी चाटा मार दूं इट कैन नॉट फील,
लेकिन यहाँ पे कोई बच्चा भी होगा, कोई कीड़ा भी होगा, मैं उसको कुछ भी करूंगा तो इट कैन फील, है ना। तो निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु में अंतर पहले पता होना चाहिए। अब जो सजीव वस्तु है उनमें भी कॉन्शियसनेस का अलग अलग लेवल है, जैसे जो पेड़ पौधे हैं तो इसको बोलते हैं आवृत चेतना। आवृत चेतना मीन्स कवर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब लिविंग, जो पेड़ पौधे हैं वो जीवित हैं लेकिन ऐसा लगता है अपेरेंटली कि उनके अंदर लाइफ नहीं है। एक पेड़ को आप कितना ही मारते रहो इट कैन नॉट रिएक्ट एज सच, बट इट डज फील। इसलिए भारत के जो वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने आगे चल के प्रूव किया कि हाउ, बट अपेरेंटली इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि पौधों में जीवन होता है। लेकिन आवृत चेतना से ऊपर होता है संकुचित चेतना। संकुचित चेतना मतलब श्रंकन कॉन्शियसनेस। श्रंकन कॉन्शियसनेस मीन्स कि जैसे सपोज छोटे छोटे रेप्टाइल्स हैं, ये हैं, वो हैं, तो अब एक एक चूहा है यहाँ पे, उसको आप छेड़ दोगे तो चूहा रिएक्ट करेगा, वो तुरंत सेफ जोन पे जाना चाहेगा, वो तुरंत अपनी सेफ्टी ढूंढेगा, है ना। लेकिन अब चूहा जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है। अब वो ये नहीं जान सकता कि भैया हाँ ये मेरा दुश्मन कौन है, इसका आईक्यू लेवल कितना है, मैं कितनी स्पीड से भागूंगा, क्या एंगल पे भागूंगा, वो एक लिमिट है उसकी। इट डज नॉट हैव विकसित चेतना लाइक ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग की जो चेतना है उसको विकसित चेतना बोला गया है। जो ह्यूमन बींग कर सकता है क्या वो कर सकते हैं क्या? एनिमल्स दे कैन नॉट डू इट। मे बी इन सर्टेन फील्ड दे आर गुड, बट जहां तक इंटेलिजेंस की बात आती, खासकर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कोई शेर ये नहीं सोचता मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, कौन से लोक में जाऊंगा, या फिर अमेरिका में जो शेर रहते हैं वो कैसे रहते होंगे, लेकिन इंसान सोच सकता है, नहीं? सो द पॉइंट इज कि डेफिनेटली ह्यूमन बींग इज एनिमल बट इज अ सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड एनिमल। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए लिखी गई हैं, ह्यूमन बींग्स को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप एक टाइगर अध्याय सामने बैठा हुआ है, मैं बोलो टाइगर बैठो भगवदगीता सुनाता हूँ तो क्या वो सुनेगा? यू जस्ट थिंक एक काऊ बैठी हुई है, एक गाय बैठी है, एक पक्षी बैठा है, एक इंसेक्ट बैठा है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। दिस इज फॉर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इसको समझ पाए। ओके, यस प्रभु जी, सारे चीजें वी आर रिकॉर्डिंग एंड होपफुली इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। सो अच्छे से विग्रह सेवा करिए। विग्रह मतलब क्या है? भगवान आपके घर में आए हैं आपको, आपके ऊपर कृपा करने के लिए, जिस रूप में आप उनको देख पाए, समझ पाए, उनको भोग लगा सके, उनको नहला सके, उनको कपड़े पहना सके, ऐसे उनको अपने बच्चे की तरह, अपने प्रेमी की तरह आप देख सके, इसलिए भगवान उस रूप में आए हैं। नहीं तो भगवान के पास कोई ऐसा नहीं, खाने पीने की कमी हो गई तो वो आपके घर पे आ गए, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए अगर आपके घर में डीटी है, पहली बात तो अगर आप नहीं कर सकते वर्शिप तो फिर मत रखिए, लेकिन अगर आपके घर में डीटी है किसी भी प्रकार की, लड्डू गोपाल है, कुछ भी है, तो फिर आपको उसकी बहुत सीरियसली देखभाल करनी चाहिए, जैसे घर में बच्चा होता है। ऐसे नहीं कि हम तो छुट्टियों पे चले गए तो डीटी ऐसी पड़ी हुई है। एक बच्चे को आप अपने बच्चे को थोड़ा ना 7 दिन के लिए बंद करके चले जाओगे, ऐसा आप नहीं करोगे। तो डीटी वर्शिप अगर करनी है तो इट शुड बी डन वेरी वेरी सिंसियर वे, है ना। और इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली वन शुड आस्क एंड क्लैरिफाई। ओके, तो हम लोग आइडल वर्शिपर्स नहीं है, वी आर नॉट मूर्ति उपासक। हम लोग पत्थरों की पूजा नहीं करते, हम लोग मार्वलों की पूजा नहीं करते, हम लोग लकड़ी की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं जो उस रूप में हमारे सामने आए हैं। वही जगन्नाथ जो लकड़ी के रूप में दिख रहे हैं तथाकथित, वो जब चैतन्य महाप्रभु उनको देखने के लिए गए तो वो उनको श्याम सुंदर रूप में दिखे, कृष्ण के रूप में दिखे, मुरली देखते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का वो स्तर था। कोई नास्तिक जाएगा तो उसको लगेगा क्या लकड़ी है, उसको गोल गोल घुमा दिया, गोल आंखें बना दी, है ना। तो वही ये यथा माम प्रपद्यन्ते। इसलिए भगवदगीता हम सबको पढ़ना चाहिए। भगवदगीता में सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फंडामेंटल्स हैं, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।